गाइस, ये एक बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है 12,000 वाला एक तगड़ा सा स्मार्टफोन लेने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम में आपको 12,000 के बजट में एक बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन मिल जाता है। साथ में हाई क्वालिटी की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। और इन सब स्पेक्स के अलावा एक फोन में आप 11GB तक की रैम कर सकते हो। इस वीडियो की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको Realme C35, Realme 9i, Samsung M13, Samsung M13 5G, Samsung F13, Moto G32, Moto G31, Redmi 10, Realme C25Y, Poco M4 5G, Vivo T1X, Redmi Note 10, Redmi 10 Prime, Oppo A16, Samsung F22 और लास्ट है Infinix Note 12। इन सभी स्मार्टफोन के बारे में नहीं बताऊंगा, इनसे भी अच्छे और तगड़े वाले स्मार्टफोन के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के एंड में एक 8GB रैम वाले स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, जिसको आप लोग 12,000 के बजट में खरीद सकते हो। तो चले गए, सब शुरू करते हैं धमाकेदार वीडियो को। देखो यार, आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो तो मैंने सिर्फ 3 ही स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है जो इस टाइम के 12,000 के प्राइस में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है। यार, हमने इन सभी स्मार्टफोन को इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से नंबर दिया है, तो हमारी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नंबर 3 पर आता है Realme Narzo 50। अगर आपको 12,000 के बजट में एक सबसे तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। और ये स्मार्टफोन स्पेशली गेमर्स को ज्यादा टारगेट करता है। इसमें मीडियाटेक हीलियो G96 का गेमिंग प्रोसेसर लगा है, जो आप लोगों को 12,000 के बजट में एक सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके अंदर 6.6 इंच की फुल HD+ वाली डिस्प्ले लगी है और इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इसकी डिस्प्ले का साइज बड़ा है, जिससे आप लोगों को गेमिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा एंड स्मूथनेस इसकी डिस्प्ले में आपको बिल्कुल जबरदस्त मिलेगी। अब बात करते हैं पावर की, तो 5000mAh की बैटरी है और 33 वोल्ट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके 6GB रैम वाले मॉडल में आप लोगों को 5GB की वर्चुअल रैम मिलेगी, तो इसमें आप लोग 11GB तक की रैम कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को साइड माउंटेड मिलेगा और इसमें आप लोग 2 सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। अब आते हैं इसके कैमरा पर, तो जो इसके बैक में कैमरा है वो 50+2+2 मेगापिक्सल का है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। इसके बैक कैमरे से आप लोग मैक्सिमम 1080p वीडियोस को 120fps पर रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा से स्मार्टफोन का डिसेंट परफॉर्म करता है, बट लो लाइट के अंदर इसके कैमरे में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अब बात आती है प्राइस की, तो इसके 464 का ओरिजिनल प्राइस है 13,000, बट ऑफर में ये स्मार्टफोन आप लोगों को 12,349 का पड़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, तो हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग सेकंड नंबर पर आता है इस टाइम का सबसे पॉपुलर डिवाइस Redmi Note 11। भाई, 12,000 के प्राइस पॉइंट में ये सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको सभी स्पेक्स बिल्कुल तगड़े मिल जाते हैं। इसमें 6.4 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और डिस्प्ले में Gorilla Glass 3 की डिस्प्ले प्रोटेक्शन है। इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है, डिस्प्ले में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसके बैक में 50+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा लगा है और फ्रंट के सेंटर में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। बैक में जो रियर कैमरा है उससे आप लोग काफी अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर सकते हो, बाकी के जो 3 कैमरे हैं वो किसी काम के नहीं है। अब बात आती है परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट इसी स्मार्टफोन के अंदर लगा है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड ये स्मार्टफोन कभी कभी गेमिंग करने के लिए ठीक रहेगा। अगर आप लोग रेगुलर गेमिंग करते हो तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को परचेज मत करना। 5000mAh की बैटरी है, जिसकी चार्जिंग के लिए आपको 33 वोल्ट का प्रो फास्ट चार्जर डिब्बे में मिल जाएगा। मेन बात आती है पैसों की, तो इसके 464 के लिए आप लोगों को MI स्टोर पर 12,249 रुपए पे करने पड़ेंगे। चलिए गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी इस लिस्ट के नंबर 1 स्मार्टफोन के ऊपर, तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है Moto G51। गाइस, ये इस टाइम पर सबसे बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी 5G स्मार्टफोन है अंडर 12,000। इसमें स्नैपड्रैगन 480+ का चिपसेट लगा है, जो 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है एंड ये स्मार्टफोन 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। आप लोग इसी स्मार्टफोन से किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को मीडियम टू हाई सेटिंग्स में काफी स्मूथली खेल पाओगे। बड़ी डिस्प्ले इस स्मार्टफोन के अंदर लगी है 6.8 इंच की फुल HD+ और इसकी डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले की क्वालिटी ठीक है और साइज बड़ा है, जिससे आप लोगों को गेमिंग करने में काफी ज्यादा जाएगा। इसमें 5000mAh की बैटरी लगी है और इसकी चार्जिंग के लिए आपको 20 वोल्ट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए आप लोगों को साइड माउंटेड मिलेगा और 3.5mm का जैक है। एक सिम और एक अलग से मेमोरी कार्ड इसमें आप लगा सकते हो। अब बारी आती है कैमरा की, तो इसके बैक में 50+8+2 मेगापिक्सल का क्वाड फंक्शन कैमरा लगा है एंड फ्रंट के सेंटर में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। कैमरा से स्मार्टफोन का ठीक है, ज्यादा अच्छा कैमरा आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं पैसों की, तो इसके 464 के लिए आप लोगों को 12,249 रुपए देने पड़ेंगे, बट ऑफर में ये स्मार्टफोन आप लोगों को 11,636 का पड़ जाएगा। तो
हाँ भाई, अगर आप लोगों को 12,000 के बजट में एक सबसे तगड़ा 5G स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को आंख बंद करके परचेज कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक बोनस स्मार्टफोन के बारे में बताता हूँ जिसमें आप लोगों को 8GB की रैम मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोगों को 12,000 के बजट में एक 8GB की रैम वाला स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग इन्फिनिक्स होट 12 प्रो को परचेज कर लेना। इसके सारे के सारे स्पेक्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो गाइस, अगर आप लोगों को एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना है तब मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा रियलमी नार्जो 50। अगर आपको एक 5G फोन लेना है 12,000 के बजट में तब आप लोग मोटो G51 5G को परचेज कर सकते हो। अगर आप लोगों को एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेना है तब आप लोग रेडमी नोट 11 को परचेज कर सकते हो। गाइस, आई होप मैंने आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर अब भी आप लोगों का कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय वंदे मातरम।